डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर मेरठ हापुड़ रोड स्थित हयात हॉस्पिटल में इलाज के दौरान एक गर्भवती की मौत हो गई। परिजनों ने डिलीवरी के दौरान लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि रूम में शिफ्ट करने के बाद महिला के स्वास्थ्य में गिरावट आनी शुरू हो गई थी। डॉक्टर बुशरा असलम को बुलाने की बजाय स्टाफ खुद ही अपने हिसाब से इलाज करता रहा। थोड़ी देर बाद महिला की मौत हो गई। महिला के परिजनों ने हॉस्पिटल संचालक के खिलाफ नौचंदी थाने में तहरीर दी है। जिस महिला की मौत हुई है उसका नाम शायबा है। वह जाकिर कॉलोनी निवासी सोएब की पत्नी थी। शुक्रवार की सुबह गर्भवती शायबा को हयात हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। इस बारे में परिजनों द्वारा यह जानकारी दी गई। तो इसका जो है जब से प्रेगनेंसी है इसके तब से इसका ट्रीटमेंट यहीं से चलता था, बड़े डॉक्टर की वजह से, बड़े हॉस्पिटल की वजह से। आज इसका डिलीवरी का टाइम था तो सुबह 5 बजे करीब इसे जो है 5 बजे 5:30 करीब इसे सुबह लेके आए डिलीवरी के लिए, और करीब 6:30 बजे इसकी डिलीवरी हो गई। सिजेरियन हुआ, ऑपरेशन से जो है बच्चा हुआ, ठीक थी, बिल्कुल ठीक आई थी, अपने पैरों पर चल के आई। ऑपरेशन होने के करीब 1.25 घंटे बाद, 1 से 1.5 घंटे बाद इसकी हालत बिगड़नी शुरू हुई थोड़ी थोड़ी। हम इनसे कहते रहे कि भैया डॉक्टर को बुलाओ, इसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही, डॉक्टर को बुलाओ, इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। इन्होंने क्या 2 यूनिट ब्लड ला दो, वो ला दिया, ये ला दो, वो ला दिया, दवाई ला दो, वो ला दो, जो कहते रहे लाते रहे। डॉक्टर को बुलाते को कहते रहे भैया डॉक्टर को बुला दो, तो स्टाफ ने साफ ये कह दिया कि डॉक्टर अब सुबह आ चुके थे ऑपरेशन के लिए, हम दोपहर के बाद आएंगे, दोपहर से पहले आएंगे नहीं। डॉक्टर बहुत कहने के बावजूद भी इतना भी कहा कि भाई बाहर से डॉक्टर बुला लो, ये तो ऊपर ही रहती है। अच्छा, हमें ये था कि यहाँ जो है ये रहती है डॉक्टर ऊपर ही, तो यहाँ ये सहूलियत रहेगी कि आपके हाथ देख लेगी, लेकिन ये उतर के नहीं आई। डॉक्टर बुशरा असलम रईस जो यहाँ मैनेजर है उनसे खूब कहा कि भाई देख लो, स्टाफ से खूब कहा देख लो, लेकिन इतनी लापरवाही किसी ने देखा नहीं। मतलब नहीं भी क्या, बाहर से डॉक्टर बुला लो, विजिट हम दे देंगे, लेकिन ना कोई डॉक्टर बुलाया ना इन्होंने कुछ देखा, बस स्टाफ जो है, और स्टाफ भी सारा अनपढ़ है, कोई स्टाफ ऐसा नहीं है जो मतलब डिग्री वाला हो या मतलब जानकार हो, सारे स्टाफ अनपढ़ है, सब बना लिए। तो कहने के बावजूद मतलब कई घंटे हुजामत करने के बाद कुछ नहीं देखा। फिर जब इसकी ज़्यादा हालत बिगड़ी बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आके, तब वो डॉक्टर उतर के आए। उतर के आने के बाद जैसे वो फिल्मी सीन करते हैं ना, देखा था वो अक्षय कुमार की फिल्म आई थी गब्बर, उसमें वो मरे हुए को पेशेंट मरा हुआ और वो भाग दौड़ करते हैं हॉस्पिटल वाले, वो इनका सीन था, एक इधर भाग रहा है, एक इधर भाग रहा है, एक इधर भाग रहा। लास्ट में इन्होंने हमें ये कह दिया कि वेंटिलेटर की गाड़ी बुलानी पड़ेगी, एम्बुलेंस, इसे न्यूट्रीमा या आनंद ले जाओ। मैंने ठीक है आप गाड़ी बुला लो, जहाँ भेजना चाहो भेज दो, आनंद भेजना चाहो। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।